लेंगे चाय पी के आते हैं। कौन बोला था आपने? सोहेला मथानिया, सोहेला मथानिया जोधपुर से जैसलमेर जाते हुए ना हमें रोड साइड पे छोटे छोटे मिर्ची के पहाड़ देखे और देखकर हमारा गाड़ी रोकने का मन कर गया। हमने कहा देखें है क्या एग्जैक्टली ये मिर्ची। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान में मथानिया मिर्ची मिलती है, ये वो मथानिया मिर्ची है जो सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान के अंदर और सबसे स्पाइसीस्ट मिर्ची मानी जाती है। अगर बुजुर्गों की माने तो आज भी इसकी खेती के लिए पुरखों की राख का इस्तेमाल होता है। आराम से और भी देखो साबुत मसाले हल्दी लेके जा रहे हैं। एक बार लोकेशन बताना क्या है? ये आगोले मेला और जैसलमेर जोधपुर वाले हाईवे पर पड़ती है। हाँ जी, आपका नाम बताना? राकेश। राकेश भाई कितने रुपए होती है पीसने के बाद? ये पीसने के बाद भैया 350 रुपये केजी होती है। 350 रुपये केजी। हाँ जी। और ये राजस्थान की सबसे तीखी मिर्ची है ना? ये राजस्थान की सबसे तीखी मिर्ची है। ये दवाई से नहीं पकती है और ओनली फॉर बरसात का पानी से पकती है, देसी यहाँ की। और तो मिल जाएगी आपको, मतलब रात को 2 बजे भी उठा के ले लें तो मिल जाएगी मिर्ची है। देखो जी, हाईवे पे जा रहे हो ना, कितने बजे मर्जी जा रहे हो 24 घंटे मिल जाती है आपको ये राजस्थान की स्पेशल मथानिया मिर्ची। ये भी मथानिया मिर्ची है ना सारी? धूप लगवाते हो पहले इसको? हाँ जी, ये मथानिया की देसी मिर्ची है, नौकल यहाँ की। अच्छा, 350 रुपये के जी है लगभग। तो पीस के भी इतने की देते हो? 350 की साबुत भी? हाँ जी, 10 रुपये का रेट सेम ही है। हाँ, 10 रुपये पीसने के लेते हो बस? और 350 रुपये किलो है, 10 रुपये पीसने के लेते हैं। पूरी दुकान है, मार्केट है पूरी। इसके अलावा क्या क्या होता है अपने पास? ये रहा, ये भी सेम है मिर्ची। हाँ, ये भी सेम है। ये मथानिया है ना, बारीक और मोटी है। हाँ, एक ही है? नहीं नहीं, ये बारीक है, ये उससे बड़ी, ये उनसे भी बड़ी। ये और ये भी खाओ, और ये और ये उससे बारीक, ये एकदम बारीक मीडियम। और इसके अलावा होता है अपने पास गरम मसाला, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। हाँ जी, साबुत धनिया हो गया, हल्दी हो गई और ये हो गया धनिया। बहुत होती है कि नहीं है ये? नहीं तो ज़्यादा थी कि नहीं भैया, मीडियम है, अच्छी मिर्च है, कोई पेट में कोई दिक्कत नहीं करेगी। अच्छी अच्छा। खाने के लिए टेस्टिंग मिर्च है, देसी है यहाँ की, देसी मिर्च है। हाँ जी, मतलब तीखी तो तीखी इतनी नहीं है बट इस्तेमाल करे तो नुकसान नहीं देती है मिर्च। हाँ जी, ज्यादा बारिश के पानी से ही पकती है ओनली फॉर, कोई दवाई वगैरह बारिश के पानी से उगती है सिर्फ? हाँ, ओनली फॉर, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है इसमें, मतलब बारिशों के सीजन में उगती है सिर्फ बस। मतलब कोई बारिश के पानी से उगती है, नॉर्मल पानी से नहीं, बारिशों में ही उगाई जाती है ये मिर्च। लेके जा रहे हैं भाई? आप लेके जा रहे हो? हाँ। कितने किलो? 10 किलो। 10 किलो क्या? होटल होटल है, लंबा है तो लेके जा रहे हैं, तो लेके जाए। अच्छा, परिवार के लिए मिर्ची यहीं से लेके जाते हो? तो परिवार के लिए पूरी 10 किलो मिर्ची ले जा रहे हैं। राजस्थान में इतनी मिर्ची खाई जाती है, 10 किलो मिर्ची जा रही है, आप देख लो। ये